हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अंजना। मैंने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें आपके जो सवाल थे उसका जवाब दिया था। आज मैं फिर कुछ आपके सवालों या फिर कोई क्वेश्चंस जिसके आंसर्स देने के लिए ये वीडियो बना रही हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आयुर्वेदा में आप ब्रह्मी यूज़ कर सकते हैं। ब्रह्मी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो ना सिर्फ आपके माइंड को काम रखता है बल्कि स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। सेकंड है कि आप एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। हेल्दी डाइट के लिए आप ऐसी चीज़ें खाइए जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, जैसे कि फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, और अपने जंक फूड को अवॉइड करें बिकॉज ये क्या करती है, आपके स्ट्रेस लेवल को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। थर्डली है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आप अपनी कुछ रूटीन में 15 से 20 मिनट अपने लाइफस्टाइल में निकालें जिसमें आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, कुछ भी ऐसी चीज़ ऑप्ट करें जो आप डेली करें। इससे क्या होगा कि आपका एक तो स्ट्रेस लेवल कम होगा, दूसरी आपकी जो बॉडी है वो भी फिट एंड हेल्दी रहेगी। सो जो वेट गेन है उसमें अगर आयुर्वेदा हेल्पफुल है, इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपका आयुर्वेदा मेडिसिंस बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आपका जो वेट है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, उसको कम कर सकता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी क्रेविंग्स होती हैं फूड के रिलेटेड, वो सब कम हो जाती है विद आयुर्वेदिक मेडिसिंस। जैसे कि हमारे पास बर्न एस कैप्सूल्स हैं, इसमें गार्शीनिया से लेके ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन टी जैसे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स डले हैं जो आपकी जो क्रेविंग्स हैं फूड के रिलेटेड वो उसको ही सरप्राइज करेगा, रेदर देन आपकी बॉडी के लिए कोई भी साइड इफेक्ट्स करेगा। बर्नेस लेने से आपका क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो नेचुरल तरीके से हेल्दी भी रहेगी और टोन्ड भी होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो मेडिसिंस होती हैं वेट लॉस के लिए वो आपको वीकनेस देती हैं, आपको स्ट्रेस लेवल है, मूड स्विंग्स होते हैं या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन ये जो बर्नेस फॉर्मूला है ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है इसमें, तो ये आप को बहुत ही नेचुरल वे में वेट लॉस हेल्प करेगा। आपको कोई भी वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स या फिर जनरल हेल्थ के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएंगे। मोस्टली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है। आप एक जगह पे बैठ के अपने लैपटॉप्स, मोबाइल्स, पीसीज, ये सब चीज़ों का फंक्शनिंग ज़्यादा होती है और आपकी प्रॉपर बॉडी मूवमेंट्स नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो वात है वो बढ़ता ही जाता है और जो कफ है वो भी बढ़ रहा है। तो इन दोनों के कारण जो आपका माइग्रेन है वो बढ़ जाता है और इससे क्या होगा, पेन होता है, अननेसेसरली मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है सिर में, तो जिसकी वजह से आपका कोई भी सारे जो काम है उसको अफेक्ट करता है। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम में आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अश्वगंधा ले सकते हैं, ब्रह्मी ले सकते हैं, गोटोकुला ले सकते हैं और डी स्ट्रेस कैप्सूल्स ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि ब्रह्मी हो गया और हमारा गोटोकुला हो गया, ये आपका एक तो जो पेन है उसमें हेल्प करेगा, एक नेचुरल कामनेस देगा, दूसरा ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो माइग्रेन की प्रॉब्लम को ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो हल्दी है वो उसके काफ़ी एक्शंस है, जैसे कि वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो कोई भी किसी भी तरह की बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है उसमें भी हल्दी का यूज़ काफ़ी है। तो अगर आपको कहीं कोई गांठ हो गई है जैसे बॉडी में, या आपका डाइजेशन अच्छा नहीं चल रहा है, या आपकी इम्यूनिटी ही लो हो गई है, तो इन सब चीज़ों में जो टर्मरिक है यानी कि हल्दी जो घरों में पाई जाती है ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो अगर आप हल्दी लेना स्टार्ट कर दीजिएगा दूध में, हर रोज़ एक पिंच ऑफ हल्दी दूध में डाल के, तो आपको कभी भी खांसी, ज़ुकाम ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और कर्क्यूमिन कैप्सूल ले सकते हैं अगर किसी को भी जॉइंट इन्फ्लेमेशन है या फिर नी प्रॉब्लम है या फिर बहुत क्रोनिक एलर्जीज़ है, तो इन सब में जो कर्क्यूमिन कैप्सूल्स हैं लाइफ वेदा के वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं बिकॉज दैट आर इन द एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशंस। अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया,
इसके काफ़ी कारण हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल। अगर आपका बहुत से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सारा दिन बैठने का काम है और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, तो आपको नींद नहीं आएगी। सेकंड है कोई भी प्रॉब्लम्स के कारण, डिजीज़ के कारण, जैसे कि IBS में हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो गया या नी प्रॉब्लम में हो गया, तो इन सब में भी आपकी नींद पर इफ़ेक्ट पड़ता है। थर्डली ये है कि अगर आपका खाना डाइजेशन सही नहीं है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं पच रहा है, तो आपको नींद की समस्या आ सकती है। तो इन सब के लिए आयुर्वेदा में ब्रह्मी कैप्सूल और डी स्ट्रेस कैप्सूल्स काफ़ी हेल्पफुल है। जो ब्रह्मी कैप्सूल्स हैं लाइफ आयुर्वेदा के, वो एक्सट्रैक्ट फॉर्मुलेशन में हैं, वो नेचुरल तरीके से आपका जो नींद की प्रॉब्लम है वो ठीक करेंगे और कामनेस देंगे, माइंड को शांत करेंगे। और डी स्ट्रेस में तगड़ डला हुआ है जो नेचुरल रिलैक्सेशन का काम करता है। तो ये जो डी स्ट्रेस और ब्रह्मी है, ये काफ़ी इफेक्टिव है इनसोम्निया यानी कि निद्रा की प्रॉब्लम में। अगर आपको डिजीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।